चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक ना, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आज की क्लास का बड़ा टॉपिक है और आज की क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, इस चीज को समझेंगे और इसका बेसिक डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि रिंग क्या होता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इस टर्म्स को कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से डिफाइन करेंगे ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक ना, तो चलिए हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो मैं बताऊं कि किसी भी आर नॉनिमिटी सेट को हम लोग रिंग तब कहते थे, किसी भी आर नॉनिमिटी सेट को हम लोग, या फिर ऐसा कहें कि ना आर कोई नॉनिमिटी सेट है, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस और डॉट, इस चीज को हम लोग रिंग तब कहेंगे जब ये कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। और वो एक्सियम्स क्या होते थे? फर्स्ट एक्सियम्स होते थे एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्सियम्स फॉर एडिशन, इसमें होते थे पांच एक्सियम्स, है ना। और वो पांच क्या क्या होते थे? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। ये पांच होते थे एडिशन के रिस्पेक्ट में एक्सियम्स। और सेकेंड नंबर में होते थे मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक्सियम्स, इसमें कितने होते थे? दो एक्सियम्स होते थे। और वो क्या क्या होते थे? क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। ठीक, और थर्ड होता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसमें भी होता था सिर्फ और सिर्फ दो एक्सियम्स। मींस कि आर अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कहलाने के लिए यहाँ से पांच, दो सात, दो नौ, नौ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करने होंगे, तब जाकर वो हमारा आर जो नॉन एम्प्टी सेट है वो रिंग कहलाएगा। अच्छा, आपको थोड़ा सा अगर इसमें चेंजिंग कर दीजिएगा इस एक्सियम्स में, तो वही आर नॉन एम्प्टी सेट रिंग तो कहलाएगा ही, बट वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहलाने लगेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। देखिए, आर जो यहाँ पे ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, सेकंड में क्या था? ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। और ये दोनों ऑक्सियम्स क्या क्या था भाई? पहला ऑक्सियम्स था क्लोजर लॉ था। अच्छा, सेकंड क्या था हमारा? एसोसिएटिविटी था। ये दो था। और अगर हम यहाँ पे एक और ऑक्सियम्स को ऐड कर दें, और वो ऑक्सियम्स है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी अगर हम ये ऑक्सियम्स को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आर है नॉन एम्प्टी सेट वो क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव रिंग। रिंग तो कहलाएगा, अगर सिर्फ कम्यूटेटिविटी को ऐड करते हैं तो वो रिंग कम्यूटेटिविटी रिंग कहला जाएगा। और अगर एक ऑक्सियम्स और ऐड कर देते हैं और इस ऑक्सियम्स का नाम दे देते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। ठीक ना, क्या देते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट। ठीक ना, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट। देखिए, अगर इन दो एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स को हम ऐड कर देते हैं इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग तो कहलाएगा ही कहलाएगा। साथ में रिंग कहलाने के लिए क्या चाहिए था? यहां से दो, यहां से पांच, यहां से ये दो और यहां से दो, इस नौ को मिलाकर वो तो रिंग बन गया। और ये जो दो एक्स्ट्रा में दिए हैं, सिर्फ अगर आप तीन वाला देते हैं, सिर्फ कम्यूटेटिविटी देते हैं, तो वो रिंग कम्यूटेटिव रिंग कहला जाएगा। और अगर इस तीन के साथ साथ चार वाले एक्सियम्स, ये दोनों एक्सियम्स को दे देते हैं, तो वो रिंग क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव रिंग। इस ये कम्यूटेटिव कैसे हुआ? इसके हेल्प से। और रिंग तो यहां से हो ही गया नौ से, तो कम्यूटेटिव रिंग और विथ यूनिटी। तो समझ में आ गया होगा कि दो एक्सियम्स को एक्स्ट्रा ऐड करने से हमारा रिंग रिंग न रहकर रिंग से भी थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जा रहा है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो चलिए, अब बारी आता है कि इसका बेसिक डेफिनेशन लिखा जाए। तो चलिए, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आपको लिखना है कि दी रिंग, रिंग हम शुरू में ही लिख दे रहे हैं। रिंग लिख देने का मतलब ही होता है कि ये नौ ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई कर चुका है ना। और या तो आप चाहे तो फिर नॉन एम्प्टी सेट से स्टार्ट करके नौ ऑक्सियम्स को लिखने के बाद फिर दो ऑक्सियम्स मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ऐड कीजिए। ठीक, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिंग से स्टार्ट करते हैं कि दी रिंग इज, दी रिंग ऐसा, दी रिंग आर प्लस ये डॉट इज सेड टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इफ द गिवन ऑक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। फिर से लिखिए कि दी रिंग दिस इज सेटिस्फाइड, सॉरी आई एम सो सॉरी, दी रिंग दिस इज सेड टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इफ द फॉलोइंग ऑक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। और नीचे में लिखना आपको पहला ऑक्सियम्स क्या एग्जिस्ट, सबसे पहला ऑक्सियम्स कम्यूटेटिविटी। ठीक ना, ये क्या है? कम्यूटेटिविटी। यहाँ पे लिख देना आपको कम्यूटेटिविटी, और आप चाहे समझाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इधर
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई ए बी इक्वल टू बी ए, ये हम पिछले वाले वीडियो में समझा चुके हैं ये क्या हो रहा है। फिर सेकंड में आपको कौन सा एग्जाम्स ऐड करना होगा, दूसरा एग्जाम्स क्या था हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, लिख दीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट लिख देना है आपको। और आप चाहें तो इसके बाद इसको इस चीज को भी आप दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट को, उसके लिए चलिए हम थोड़ा सा आपको समझा दें क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट कुछ नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट ये सिंबल क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट, देखिए हमें उसी आर में, आर क्या है हमारा नॉन एम्प्टी सेट, उस आर में हमें एक एलिमेंट वन ऐसा मिलेगा सच दैट वन को हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये ऑक्सियम जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था, तो वन इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन इज इक्वल टू ए, मीन्स की मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो यूनिटी एलिमेंट है वो हमारा एलिमेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि वन इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आया किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सभी एलिमेंट आर के सभी एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये वन जो हमारा है वो यूनिटी एलिमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं रिंग थ्योरी के कुछ और थ्योरम्स और टॉपिक्स को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और भी इम्पोर्टेंट नोटिस है कि आप लोग यदि बीबीएम के यू या फिर बीबीयू यूनिवर्सिटी हजारीबाग से बिलोंग कर रहे हैं, सेमेस्टर फोर के स्टूडेंट हैं, तो आप यदि फुल कोर्स चाहते हैं तीनों पेपर का, पता है आपको कि आपके पास आपके कोर्स में सिलेबस में तीन पेपर है, अगर आप तीनों पेपर का फुल कोर्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।